हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। तो आज मैं बड़ी ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ, वो भी अनवांटेड हेयर के लिए। अगर आपके हाथ पैरों पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा बाल हैं पैरों पर भी, हाथों पर, अपर लिप्स पर हैं, फेस पर हैं, कहीं भी हैं, तो आप उनको बड़े ही आसान तरीके से घर में हटा सकते हैं। मेरी जो ये रेमेडी है, अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करोगे तो पहले तो ये धीमे धीमे आपकी ग्रोथ को कम करेगी और फिर पूरी तरह से बाल आने बंद हो जाएंगे। और बड़ी ही आसान है, आप इस्तेमाल करके देखना। अगर हम अपने अनवांटेड हेयर अपने वैक्सिंग कराने अगर पार्लर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरी बात हमारी जो स्किन है वो डैमेज होने लगती है, डार्क होने लगती है वहाँ से। और एक बार वैक्सिंग करवा के अगली बार जो बाल आता है वो और भी ज़्यादा हार्ड आता है, जो कि ख़राब लगता है। और हर तरीके से, जैसे पैसे को लेकर भी है, स्किन को लेकर भी है, कलर डार्क हो जाता है। तो आज में जो मेरी रेमेडी है बड़ी ही इजी है, और इससे पहले आपके बाल धीमे धीमे ग्रोथ कम होगी और फिर बाल आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और बड़े ही आसान तरीके से अपने बाल हटा सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें लेंगे गेहूं का आटा, 1 चम्मच लेंगे हम गेहूं का आटा। गेहूं का आटा है, पहले पुराने टाइम में जो आज की चीज़ें हैं वो नहीं होती थी, वैक्सिंग वगैरह है ये जो, फिर लेडीज थी वो अपने अनवांटेड हेयर हाथ पैर फेस से अपर लिप से हटाने के लिए ये इस्तेमाल करती थी घरेलू नुस्खा, जो आज भी कारगर है और पूरी तरह से नेचुरल है और कोई साइड इफेक्ट भी इसका नहीं है। तो हमने लिया 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा है जो स्किन को लाइट ब्राइट भी करता है और टाइट भी बनाता है। और फिर दूसरी चीज़ लेंगे हम इसमें 1 चम्मच बेसन। बेसन भी हमारे स्किन में शाइनिंग लाता है और कसाब देता है। 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन, और लेंगे हम 1 चुटकी हल्दी। हल्दी हमारी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, हमारी शाइनिंग देती है स्किन में। और उसके बाद लेंगे हम कोकोनट ऑयल 1/2 चम्मच। इससे क्या है, जो हमारी स्किन है उसमें शाइनिंग आएगी, जो थोड़ी रफ होगी, रूखी होगी, उस स्किन में शाइनिंग आएगी नारियल तेल से। और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा गुलाब जल। अब हम गुलाब जल इतना डालेंगे जिससे कि हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, उतना जिससे ना हमें ज़्यादा गीला करना है ना ही ज़्यादा थिक रखना है, हमारा अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए, फाइन पेस्ट। थोड़ा सा गुलाब जल और डालते हैं। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे तो आप खुद महसूस करोगे, देखना आपके बाल हैं धीमे धीमे ग्रोथ कम होकर के बाल पूरी तरह से आना बंद हो जाएगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्किन का कलर भी निखरेगा दिन ब दिन, और आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बालों से भी छुटकारा मिलेगा। देखो हमारा एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। आपको इस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक रखना है। अब आपको करना क्या है, इसे लगाना कैसे है, आप जहाँ से भी अपने बाल हटाना चाहते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, अपर लिप्स हैं, फेस है, उस पर ऐसे आपको लगाना है, हल्के हल्के हाथों से लगाना है, और लगा करके ऐसे सर्कुलर मोशन में हाथ पैरों पर लगा देना है। और लगा करके फिर आपको इसे हटाना कैसा है, मेन बात ये है। सबसे पहले उससे बाल टूटेगा, धीमे धीमे उसकी जड़ कमज़ोर होंगी, बाल आना बंद हो जाएगा। इसके लिए जैसे मैंने आपको लगा दिया है, ऐसे लगा के रख छोड़ देना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में जो हमारी ये है ये सूख जाएगा। और फिर हटाना कैसे, आपको जैसे हमारा बाल की ग्रोथ ऐसे होती है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको हमने ऐसे लगा दिया और फिर आपको हटाना है ये नीचे से ऐसे करके, आपको ऐसे इसको रगड़ना है। जैसे सूख जाएगा 15-20 मिनट में, तो आपको नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है, ऐसे ऐसे एकदम थोड़ा टाइट हाथ से। सूख जाएगा थोड़ा टाइट लगेगा क्योंकि टाइट होगा हाथ हमारा, ऐसे ऐसे आपको रगड़ना है, मसाज करनी है धीमे 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 उल्टे डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर। बाल आता है ऊपर से नीचे, आपको नीचे से ऊपर
को मसाज करनी है। तो आपको धीमे धीमे करके बाल है वो टूटेगा, जड़ कमज़ोर होंगी, बाल टूटेगा और फिर ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी, बाल बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे, आपके हाथ पैर अपर लिप्स फेस बिल्कुल क्लीन बनेगा, स्किन निखरेगी, दिन ब दिन टाइट होगी और दाग धब्बे दूर होंगे और आपका चेहरा बनेगा एकदम से, चेहरा है हाथ पैर हैं साफ सुथरे, बाल बिल्कुल बंद होंगे, चिकने होंगे और रंग भी निखरेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीज़ें देख के तब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और कमेंट आप एक कमेंट करोगे तो आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाएगा और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, राधे राधे।